शैतान यीशु के परीक्षा करे करत हा। यीशु के बपतिस्मा होए के तुरंत बाद ही पवित्र आत्मा वही जंगल में लेगा। यीशु हुन 40 दिन और 40 रात रहो आए। वह समय ऊ उपवास करिन और शैतान यीशु के पास आके पाप करामा के लाने उनखर परीक्षा करिस। पहले शैतान यीशु से कहिस, अगर ते परमात्मा के बेटवा हस तो ई पत्थरन का रोटी बना दे ताकि ते खा सकस। पर यीशु शैतान से कहिन, परमात्मा के वचन में यह लिखो है, जीवित रह के लाने मने का केवल रोटी की जरूरत नहीं आए पर उनखर हर व बात की जरूरत है जोन परमात्मा उनसे कहे करा थी। तब शैतान यीशु का मंदिर के सबसे ऊंचा सिरा पर लेगा व उससे कहिस, अगर ते परमात्मा के बेटवा आहे तहिन से नीचे कूद जा, कहे से कि लिखो है, परमात्मा तो ही उठामा के लाने अपन स्वर्गदूतन का आज्ञा दई हूँ कि तोरे पाँव पत्थर से ठेस न लगी। पर यीशु वह नहीं करिन जोन शैतान उनखर से करा के लाने कहे रहो है। एक बजे ऊ कहिन, परमात्मा हर को उसे कहत हैं कि ते प्रभु अपन परमात्मा के परीक्षा न कर। फिर शैतान व संसार के सारा राज्य दिखाइस, वह उन्हीं दिखाइस कि वह कितना शक्तिशाली है और वह कितना संपन्न है। वह यीशु से कहिस, मैं तो ये सब दई हूँ अगर ते घुटना टेक के मोर उपासना करिए। यीशु जवाब दईन, हे शैतान मोरे पास से चले जा, परमात्मा के वचन मा ऊ मनैन का आदेश देत हैं केवल अपन प्रभु परमात्मा की आराधना कर, परमात्मा के रूप में केवल वहन का आदर कर। यीशु शैतान के परीक्षा से हार नहीं मानिन, यही से शैतान उनखर पास से चलोगा। तब स्वर्गदूत आके यीशु के सेवा टहल कर लगे। मत्ती अध्याय 4:1-11, मरकुस 1:12-13, लुका 4:1-13 से बाइबल की एक कहानी।